हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बाजी की दुनिया कैनेडा में आज का मेरा व्लॉग है मायके में आने के मज़े सो आप सब से जानते होंगे हु एवर कैन रिलेट टू दिस कि मायके में आके इंसान बहुत मस्त होता है जैसे मैं सुबह को उठी और मैंने देखा कि मेरे जो बच्चे हैं उनको नाश्ता मिल चुका है और वो आराम से बैठ के अंडा रोटी खा रहे थे आइलैंड पर और मैंने बाहर देखा इतनी अच्छी बारिश हुई हुई है इतना मज़ेदार मौसम था तो आज तो मैंने कहा कि अमी जान ने मेरी रोटी बना के और अंडा बना के सब कुछ डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है और बच्चे खाना खा रहे हैं मेरी चाय तैयार है मैं तो बहुत खुश हो गई ये सब कुछ देखकर मैंने अम्मी जान को कहा मेरा इंतज़ार तो कर लेती हूँ उठने का उन्होंने कहा नहीं भूख लगी हुई थी बच्चों को तो मैंने सोचा कि पहले उनको नाश्ता बना देती हूँ फिर तुम भी आके कर लेना भिंडी गोश्त और अंडे के साथ मज़ा तो बहुत आया हमने आज का प्लान बनाया कि हम नाश्ता करेंगे उसके बाद हम मज़ेदार सा लंच बनाएंगे और फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि भाई जान फिश का खाना डाल रहे थे तो वो कैसे डालते हैं खाना कितना मज़ेदार लगता है उसके बाद मैंने अम्मी जान से कहा कि आज कुछ मज़ेदार सा बनाते हैं बहुत अरसा हो गया है मैंने ना वो चने के चावल नहीं खाए साथ में दाल हो साथ में सैलड हो और साथ में चटनी मज़ेदार सी गर्मी का मौसम है तो अम्मी जान ने ये मिक्स दालें बनाई थी इसको प्रेशर कुकर में बस डाला नमक मिर्च हल्दी और लहसुन डाल के उस प्रेशर कुकर को बंद कर दिया और फिर अमी जान ने जल्दी से चावल भी चढ़ा दिए चावलों में उन्होंने ये इंडिया गेट की चावल हम लेते हैं बहुत मज़ेदार होते हैं बासमती चावल और उन्होंने जल्दी से उसको भिगोया और प्याज़ वगैरह उसको फ्राई किया एंड चावल डाल के गर्म मसाला डाल के चने का टिन खोल के सारा ने बहुत ही मज़ेदार सा बना दिया चावल ना लाइक ऐसा लगा हम मुझे तो ऐसा लगा जैसे खाना मिनटों में रेडी हो गया इतना जल्दी उन्होंने बना दिया साथ में सैलड भी तैयार था और मौसम भी बदल गया थोड़ी देर तक मतलब सुबह को बारिश हो रही थी और दोपहर तक इतनी धूप निकल आई इतना गर्मी हो गई तो हमें तो बहुत मज़ा आया कि हम आज शॉपिंग पर जाएंगे और इतना अच्छा मौसम था बाहर हमारे घर तो जब दाल चावल बनते हैं ना इसका मतलब है कि जश्न होगा आज तो और साथ में हम उसको बहुत ही आ, क्या कहते हैं सलीके से या बहुत रॉयल तरीके से हम खाते हैं दाल चावल को तो हम साथ में सैलड और अचार और हम मैंने सोचा कि टेबल लगा देती हूँ हम सब साथ में गर्मी में ना खाना बैठ के खाएंगे दोपहर तो का खाना इकट्ठे बैठ के सारी फ़ैमिली खाएगी तो मैंने भाईजान को अमी जान मेरे बच्चे और मैंने अपनी बहन को सबको कहा चलो सब डाइनिंग टेबल पे बैठो आज हम एज आ फैमिली खाना खाएंगे तो सब बहुत खुश हुए ऐसा बिल्कुल फीलिंग आ रही थी जैसे हम पाकिस्तान में गर्मियों में बैठ के खाना खाते थे ना गर्मियों में दोपहर का खाना तो इतना मज़े का खाना लग रहा था तो हमने बहुत मज़े से ही खाना खाया उसके बाद मैंने अमी जान से कहा चले हम ना आज हमने जाना है टॉयज़ आर्स जाना है बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं कि हम यहाँ मेरे अम्मी के घर हम रहने आए हुए हैं ना तो वो कहते हैं कि हमारे पास के यहाँ कोई टॉयज़ वगैरह नहीं है तो हमें टोइज़ और से कोई पसंदीदा टॉयज़ लेकर दो तो मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप खाना फ़िनिश करोगे तो मैं आपको टॉयज़ भी खरीदूँगी जो चाहोगे बस हंड्रेड डॉलर से कम के खरीदना लेकिन आई एम टेलिंग वो ये तो बस ड्रीम ही रहती है कि ये बजट में रह के टॉयज़ ख़रीदें तो मैंने इनको लालच दिया था कि प्लीज़ खाना फ़िनिश कर लो फिर हम जाते हैं टॉयज़ ख़रीदने लेकिन नहीं नहीं खाना फ़िनिश किया इन्होंने वही पड़ा रहा और आ, मैंने इनको सैलड तो डाल कर दिया है यानी सिर्फ मैंने चावल डाल कर दिए थे और साथ में उसको ठंडा किया तो मैंने दाल नहीं डाली थी क्योंकि ना अम्मी जान बहुत स्पाइसी खाना बनाती हैं बच्चे खा नहीं सकते इतना स्पाइसी चावल थोड़े फीके थे तो हमने मैंने उनको सिर्फ चावल डाल कर दिए तो मैं हम जब खाना खा रहे थे इट तो वाज वेरी फनी कि मेरी जो बहन है वो मेरी कल की वीडियो देख के बहुत कर रही थी वैसे वो हमेशा ड्रामा देखती है लेकिन आज वो मेरी वीडियो देख के उसका वही शो हो रहा था डाइनिंग टेबल पे वरना तो ये देखें उसके हाथ में फ़ोन है <laughs> तो फिर हमने जब खाना फिनिश किया तो हम तो साथ ही निकल गए टोय के लिए एक तो अगर टॉय चले जाओ तो बच्चों की तो डिमांड ही ख़त्म नहीं होती है ना और उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती कि उन्होंने क्या ख़रीदना है ये मैंने उसको लास्ट टाइम ख़रीद के दिया था माइनक्राफ्ट का टॉय और इस बार ये कहता है कि मुझे ये इतना बड़ा टॉय खरीदना है तो मैंने ले दिया मैंने कहा मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है जब एक दफ़ा टोए जरूर से आ जाओ तो क्या चॉइस छोड़ते हैं बच्चे हैं हमारे पास और मेरा छोटा बच्चा उस पर भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैंने क्या ख़रीदना है और यह भाईजान ने देखो क्या ये इनकी कलेक्शन होती है ना ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं भाई जान अपने कमरे में पूरा वो बना रहे हैं कलेक्शन ऑफ दिस थिंग तो फिर उसने भाईजान ने खरीदी और uh, ये दो टो जो डेकोरेशन पीसेस हैं वो खरीदे और हमने ये सब चीज़ें लेकर हमने कहा चलो अब घर चलते हैं जाके ना ये मेरे बच्चे बनाना चाहते थे लेगोस लेकिन फिर अम्मी जान ने कहा कि हमने ज़रा बुक क्लेयर देखना है मैं यहाँ पहले कभी नहीं गई थी लेकिन ये तो देखने वाली जगह थी इसकी खूबसूरत चीज़ें थी मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत पसंद होती हैं मेरे घर में डेकोरेट करने के लिए मुझे तो बहुत चीज़ें यहाँ की पसंद आई हर चीज़ ना तीले से बनी हुई थी या फिर ऐसे traditional वे में बनी हुई थी और यहाँ के cushions तो इतने खूबसूरत थे मतलब जो चीज़ें मैं इतने अरसे ढूंढ रही थी ना वो लिटरली मुझे यहाँ पर मिल गई और मैंने सोचा कि अब मैं एक एक करके ना यहीं से सारा डेकोरेट करूँगी अपना घर इन शह एंड आई ड आई लव दिस ट्रे ये देखें ये ट्रे फोटी फाइव डॉलर्स की थी और ये कितनी खूबसूरत ट्रे है वॉशरूम में रखने के लिए और साथ में ये डेकोरेशन बो और साथ में ये वैज़ ओ माई मुझे इतना पसंद आया ये सब कुछ तो और मुझे ये भी बहुत ज़बरदस्त जगह लगी और इनके फ्रेम्स तो इतने खूबसूरत थे उनमें से ये एक फ्रेम है बीच का ये लाइक थ्री डी फ्रेम था इसकी देखें ये फेंस बनी हुई है ना और इसका ये स्टोन मैं दिखाना चाहती थी देखें इन्होंने ऊपर चिपकाया हुआ है ये स्टोन और साथ में इन्होंने वो इससे डेकोरेशन बनाई हुई है तीला सा लगा के उनके फ्रेम्स उनके शीशे उनके हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी ना तो अमी जान ने कुछ चीज़ें खरीदी कुछ मैंने खरीदी फिर हम बस वहाँ से निकले और भाई जान ये बूस्टर जूस ले आए और फिर हमने कहा हम ना ज़रा चची जान के घर जाके ना होके आते हैं थोड़ी देर तो हम सब चची जान के घर चले गए और वो वहाँ पर गार्डनिंग कर रही थी वो इतने शौक़ से लगी हुई थी ये देखें इसको पेंट कर रही थी कि वो क्यारियाँ बना रही हैं ना तो हमने कहा चलो हम भी आपको एंजॉय करते हैं हम भी थोड़ा देखते हैं बैठकर तो मैंने उनको रिकॉर्ड भी किया और उन्होंने ये बड़ा मज़े का बनाया हुआ था नूडल्स बनाए हुए थे तो मैंने कहा मुझे ज़रा दिखाएं आपने क्या काम किया है तो उनकी बेटी ये कर रही थी पेंट और ये क्यारियाँ बना रही थी चजी जान तो इतना ख़ूबसूरत चजी जान ने क्यारियाँ बनाई तो इसके ऊपर बना के ना फिर वो जो वो जो पेंट कर रही थी ना बॉर्डर बनाने के लिए वो उसने वहाँ पर ला के रखे तो वो इतने ख़ूबसूरत लग रहे थे उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसका एंड लुक तो वो बेसिकली यहाँ पर बनाना चाहती हैं फ्लावर्स लगा के उनको बहुत शौक है गार्डनिंग करने का ना बहुत खूबसूरत सा बनाना चाहती हैं वह अपना गार्डन को तो आ, मुझे तो बहुत मज़ा आया और आ, इनको हम काफ़ी देर बैठ के देखते रहे हमने कहा चलो हमने घर जाके भी क्या करना है तो वो मेरे हालाँकि थोड़ा स्पाइसी थे नूडल्स ना लेकिन मेरे बच्चे को इतने पसंद आ गए ना और वो कहता था कि मुझे ना ये ग्रीन और रेड चीज़ निकाल कर दो तो क्योंकि मटर और उसमें गाजर थे ना तो मैंने कहा तुम्हें इतने से कैसे निकाल कर दूँ जैसे भी बनता है खा लो और साथ में फिर वो इतनी मिर्चें उसको लग रही थी और बेचारा फिर भाई जान उसको डाल कर दे रहे थे रूह हफ्जा के चलो मिर्चें ख़त्म करो ये रूह हफ्जा पियो और जान ने ये देखें कितने खूबसूरत लगाए हुए थे ना मुझे तो ये बहुत पसंद आए ये लैम्प से थे तो ये उनका जो फाइनल लुक जो आज हमने देखा उन्होंने कहा था कि वो इसको पूरा लुक फिनिश करेंगी ना फिर मैं एक और वीडियो जाके बना कर ना आपको पोस्ट करूँगी मैं घर आई तो मैंने बस ये रात को ही डिनर किया थोड़ा सा ये चावल जो पड़े थे और बच्चे जो टॉयज़ ख़रीद कर लाए थे वो तो बस आते ही उन्होंने खोल दिए ना और वो भी लेगोस बनाने लग गया और वो अपने टॉय के साथ खेलने लग गया और भाई जान बाहर पानी दे रहे थे तो फिर मैंने सोचा चलो बाहर जाके बैठती हूँ तो मैंने ये देखा कि बाहर से गुजर रहा था ट्रक देखें ये ना ट्रक है ये साफ़ कर रहा है सड़क को तो भाई जान पानी दे रहे थे तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करती हूँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब